नमस्कार मी वसुंधरा काशीकर महाब्रँड्स मध्ये आपलं मनापासून स्वागत वाढतं शहरीकरण औद्योगिकीकरण रस्त्यावर वाढणारी वाहनं आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाच्या समस्या हे न थांबणारं दुष्टचक्र आहे हवामानातील बदल कमी होत असलेले ओझोनचे आवरण हे प्रदूषणाचे दुष्परिणाम आहेत यावर काही प्रमाणात का होईना इलेक्ट्रिक वाहन हाच सक्षम पर्याय आहे हा पर्याय देण्याचं काम तुनवाल ई व्हेकल्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड करत आहे अजूनही सहजासहजी इलेक्ट्रिक वाहनांना ग्राहकांची पसंती मिळत नाही या वाहनांच्या संदर्भात ग्राहकांच्या मनात असंख्य प्रश्न फेरधरून असतात तरीही पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीत तुनवाल व्हेकल्स आपली उल्लेखनीय ठसा उमटवत आहे निसर्गाचा समतोल बिघडू न देण्याचा वसा घेतलेल्या याच तुनवाल ई व्हेकल्स बद्दल आपण आजच्या भागात जाणून घेणार आहोत व्हीकल की एंट्री 2014 में हुई थी और हमने एंट्री इसके लिए की थी हमें नेशन के लिए कुछ करना था बाकी जो इनकम है वो तो अदर सोर्सें भी आ रही है लेकिन ये लाइन एक ऐसी है कि जिसमें सभी को रोजगार मिलेंगे और ये प्रोडक्ट ऐसा है कि इसमें सभी का बेनिफिट होता है जो कस्टमर चला रहा है उसका भी बेनिफिट हो रहा है और जो बना रहा है उसका भी बेनिफिट हो रहा है और सबसे बड़ा बेनिफिट तो गवर्नमेंट को होता है जो उनका फ्यूल बच रहा है और पॉल्यूशन बच रहा है तो यही चीज़ सोच के 2014 में एंट्री की थी बट उस टाइम अदर जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल थे वो आउट हो रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि आगे फ्यूचर है ही नहीं इसमें कुछ भी बट मुझे कॉन्फिडेंस था कि इसका ही आगे फ्यूचर रहेगा क्योंकि फ्यूल प्राइसेस है वो डे बाई डे बढ़ेगी ही और पॉल्यूशन है वो डे बाई डे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते ही जाने वाला है और इलेक्ट्रॉनिक्स है वो डे बाय डे बहुत स्पीडली ग्रो होते जा रहा है उसमें रोज़ न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आते जा रही है तो इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ेगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे क्योंकि अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है वो रोज़ न्यू टेक्नोलॉजी लेके आ रही है तो वो सेमी uh, और इलेक्ट्रॉनिक्स पावर स्टोरेज वो डे बाई डे नैनो होते जा रहा है नैनो होएगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल है uh, उसके ऊपर डिपेंड होंगे और दूसरा सन एनर्जी आगे आने वाले टाइमिंग में सब लोग सन एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड ही होंगे और वो अनलिमिटेड है कभी ख़त्म नहीं, नहीं होने वाली एनर्जी है अभी जो क्रूड है uh, अदर जो एनर्जी है वो एक लिमिटेड है और उसके साइड इफेक्ट भी डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं बट सन एनर्जी के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है उसको कितना भी यूज़ करो वो एक मानवता के लिए uh, सबसे ज़्यादा बेस्ट ही बेस्ट है तो इसके लिए ये लाइन हमने स्टार्ट की थी आ, फर्स्ट प्लांट हमने आ, इसकी आर स्टार्ट की थी गुजरात में गांधीनगर से स्टार्ट की थी वहाँ पे हमने व्हीकल के लिए एक फैक्ट्री पहले खरीद के ली थी क्योंकि तो व्हीकल बनाना है तो उसके लिए फैक्ट्री खरीद के ली फिर उसके बाद में हमने उधर दूसरी फैक्ट्री रेंट पे हमें लेनी पड़ी थी क्योंकि इतना हमारे पास इन्वेस्टमेंट था नहीं तो वहाँ से स्टार्ट करके लिया देन उसके बाद में वहाँ से वहाँ पे एक्चुअली फैक्ट्री में फायर हो गया और हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया था तो उसके बाद में हमने फिर पुणे में प्लांट डाला और पुणे के बाद में फिर हमने राजस्थान में भी डाल के लिया तो अभी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो पर डे हम 500 हंड्रेड पीसेस निकाल रहे हैं उसमें से और उससे ज़्यादा हमारे पास डिमांड है ई व्हीकल्स तयार करताना सामाजिक बांधिलकीचा वसा सोडायचा नाही हे तुनवाल ई व्हीकल्सचं तत्व आहे हमारा स्टार्टिंग में टू मॉडल से स्टार्ट किया था बट अभी अभी हमारे पास टोटल 14 मॉडल हैं और स्पेशल मॉडल्स ऐसा है कि हमने एक जरूरत समझी थी कि जो ओवर एज पर्सन है और जो दिव्यांग पर्सन है उनके लिए कुछ स्पेशल किया जाए तो उसके लिए हमने एक थ्री व्हीलर है हमारे पास तो एजीज सेम टू व्हीलर से थोड़ा साइज़ बड़ा है बट बड़ उसमें इतने सारे सेफ्टी फ़ीचर्स के साथ में हमने दिया है कि उसको कोई भी ओवरेज पर्सन है वो चढ़ाई में उतार में आ, कहीं पे भी इजीली चला सकता है वो बाहर घूम सकता है सब्जी ला सकता है गार्डन में घूम सकता है वैसे दिव्यांग पर्सन है वो अगर मान लो कहीं बैंक में जॉब भी कर रहे हैं तो उनको एक वो चार चार व्हीकल व्हील लगा के अलग से उस टाइप का फ्यूल वाला व्हीकल लेने की जरूरत नहीं है वो हमारे व्हीकल से इजीली जा सकता है वो वन चार्ज में अप्रोक्स सिक्सटी किलोमीटर चलता है और टू आवर्स में चार्ज हो जाता है और उसमें बहुत सारे हमने सेफ्टी फीचर्स उसमें दिए हुए हैं जो वो इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं इस टाइप के व्हीकल है देन बाकी जो है वो फिफ्टी किलोमीटर से लेके और टू हंड्रेड किलोमीटर तक की रेंज के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है जैसे जिस कस्टमर को जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है वो उस टाइप का व्हीकल चूज़ कर सकता है स्पेशली ये कि उसमें जो कुरियर वाले हैं जिनको सामान कैरी करना है और जो डेली यूज़ कर रहे हैं कोई बैंक जा रहा है कोई खेत में जा रहा है तो उनके लिए अलग अलग मॉडल रखे हैं जो कुरियर वाले हैं किसी को सब्जी खेत में से घर पे लानी है जहाँ पे उनको लोडिंग की ज़रूरत है तो हमारे पास वैसे उस टाइप के व्हीकल भी है जो लोडिंग के इसमें यूज़ किया जा सकता है घर से सामान लाने के लिए आ, कुरियर वाले हैं तो उनको कैसे अभी जितने भी कंपनीज़ है वो बहुत महंगा आ, उनको दे रही है मीन्स बहुत कम कर दिया है सोलह रुपया सत्रह रुपया पर पैकेज कर दिया है तो वहाँ पे उनको हमारा व्हीकल बहुत अच्छे से बन रहा है कि वो दस रुपये में लोग सौ पार्सल की डिलीवरी कर पा रहे हैं मार्केट चल रहा है तो उसमें यंग जनरेशन को कैसे हाई स्पीड व्हीकल चाहिए तो उसके लिए हम एक नया मॉडल अभी लॉन्च कर रहे हैं जो मैक्सिमम uh, स्पीड उसकी 130 की रहेगी और वन चार्ज में वो वन हंड्रेड फिफ्टी चलेगा ऐसा बाइक हम लॉन्च करने वाले हैं अभी और uh, उसके बाद में जैसे बैटरीज में टेक्नोलॉजी और बढ़ रही है तो उसको कम टाइमिंग में चार्ज करके और ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा सकता है इस टाइप का व्हीकल और अभी आने वाले टाइमिंग में जल्दी लॉन्च करने वाले हैं फाइनेंस के इस पर हमारे पास हमारे जो डीलर्स है उनके पास सभी डीलर्स के पास फैसिलिटी अवेलेबल है और बहुत सारी बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनी हैं वो इजीली फाइनेंस करके दे रही है हमारे पास जो रेंज है वो एक विलेजर्स एरिया और सिटी एरिया दोनों को ध्यान में रख के जो स्टार्टिंग प्राइस है वो ओनली फोर्टी फाइव थाउजेंड से ही स्टार्ट होती है क्योंकि हमने सर्वे किया है कि पर डे एवरेज ट्वेंटी से फोर्टी किलोमीटर का ही लोग चलाते हैं तो उसके लिए आ, सौ किलोमीटर चलने वाली गाड़ी की क्या कहाँ ज़रूरत है उसके लिए क्यों वो एक लाख रुपया पे करे इसके लिए हमने फोटी फाइव थाउज़ेंड में ही रखा है जो पर डे आप आप फिफ्टी किलोमीटर चला सकते हैं एक वन चार्ज में ही अगर उसको ज़्यादा चलाते तो दो बार टू टाइम्स वो चार्ज कर सकता है इसके लिए हमारे पास जो प्राइस रेंज है वो फोर्टी फाइव थाउजेंड से ही स्टार्ट है जो नाइन्टी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड फिफ़्टी थाउजेंड ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है क्योंकि हमारे पास अप्रॉक्स ट्वेल्व मॉडल है और ये प्राइस है वो अभी तक के जितने भी चल रहे हैं उसमें सबसे हमने काफ़ी चीप प्राइस रखा है ताकि लोग इजीली उसको खरीद सके तुनवाल मोटर्स विविध समाज घटकांना त्यांच्या गरजेनुसार आणि त्यांना परवडतील अशा किमतीत वाहन उपलब्ध करून देते अशी वाहनं उपलब्ध करून देताना गुणवत्तेशी कसलीही तडजोड केली जात नाही हे विशेष हमारा क्वालिटी के इसमें क्यूसी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है और सेकंड मैन बैटरीज रहते हैं तो बैटरीज में हम एवरी एवरी ईयर या एवरी टाइम हम उसमें कुछ ना कुछ न्यू मॉडिफिकेशन जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वो हम उसमें इन्वॉल्व करते जा रहे हैं जो अभी गवर्नमेंट ला रही है चार्जिंग स्टेशन आ, अदर कंपनीज भी जो चार्जिंग स्टेशन ला रही है स्वेपिंग सिस्टम ला रही है तो उसमें हमारी गाड़ी में जो बैटरीज है वो सब उनके साथ में इजीली चार्ज होएगी या उनके साथ में रिप्लेस हो पाएगी ऐसा दोनों हम इसके साथ में काम करके ले रहे हैं अभी हम थ्री टाइप्स की बैटरीज यूज़ कर रहे हैं जो जिसमें फाइव ऑर्स भी लग रहे हैं और जो कस्टमर को चाहिए कि टू ऑर्स में चार्ज होनी चाहिए वो भी हमारे पास है और जिनको लॉन्ग इसमें यूज़ करना है और आठ घंटे में चार्ज करना है तो वैसे भी है वो और डिफरेंट मॉडल एंड डिफरेंट यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है हमारे व्हीकल में डबल बैटरी भी रहती है एक स्पेयर में रहती है आप एक बैटरी से आप ड्राइव कर रहे हैं जब वो फिनिश हो जाती है तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं इमीजिएटली दूसरी स्पे स्विच हो जाती है और जब भी आपको मान लो चार्जिंग करना है तो आप एक बैटरी को स्पेयर में चार्जिंग लगा के दूसरा यूज़ कर सकते हैं या दोनों के एक साथ में यूज़ कर सकते हैं डिपेंड करता है अवरी कस्टमर के इसमें यूज़ के ऊपर इसमें थर्टी एच के समथिंग अगर बैटरी है सिक्सटी वोल्ट थर्टी एच की है तो वन पॉइंट टू यूनिट्स मैक्ममम उसमें एक्सपेंसिस आता है जो अभी का जो न, लाइट सिस्टम अभी का जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है उसमें और उसको ऑप्शन है बहुत सारा सोलर से भी चार्ज करने का एम सी से भी चार्ज करने का और पुणे सिटी मेट्रो सिटी में अगर देखते तो एक वन यूनिट की मैगजिम प्राइस है वो टेन रुपीज़ है कमर्शियल और वही अगर रेसिडेंस की इसमें करते तो फाइव से सिक्स रुपीज़ है तो, रुपीज तो आठ से नौ रुपया में आप एटी किलोमीटर चल सकते हैं टोटली ये व्हीकल नॉइजलेस है और आ, ये एक बहुत बढ़िया ये कि अपने इस पर जो नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है उसको भी बहुत इसमें रिड्यूस करके ले रहे हैं इसमें बिल्कुल भी नॉइज़ है क्योंकि ये टोटली मैग्नेटिक एनर्जी है एक ऊपर फिक्स मैग्नेट है और एक नीचे कॉयल के थ्रू जो मैग्नेट बन रहा है तो उस उसमें नॉइज़ और घसारा ये दोनों ही नहीं है हमारे पास अभी जो व्हीकल है टोटली नॉइजलेस है फास्ट चार्जिंग भी है और यंग जनरेशन के लिए भी हाई स्पीड वाले व्हीकल भी है बैटरीज में हमारे पास फाइव ईयर्स तक की वारंटी के लिए भी है जिसकी लाइफ फाइव ईयर्स सिक्स ईयर्स डिपेंड करता है यूज़ के ऊपर बट मिनिमम फाइव ईयर्स के लाइफ की भी बैटरीज हमारे पास अवेलेबल है और उससे आप वन चार्ज में टू हंड्रेड किलोमीटर तक चल सकते हैं अपने प्रत्येक रुपया की किमत समझना ग्राहक हे तुनवाल मोटर्स टार्गेट है असा ग्राहक ग्रामीण भाग है हे लक्षा घेन इलेक्ट्रिक वाहन बदल जागरूकता निर्माण के लिए जी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर का है उसमें आ, हम डीलर्स बनाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और अदर न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपर के थ्रू हम आ, हमारे व्हीकल का एडवर्टाइजमेंट करते हैं वहाँ से जो इंक्वायरीज जनरेट होती है उसमें हम आ, फिल्टर करते हैं कि जो आ, इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे प्रमोट करें और उनको बेचने की इसमें जो इंटरेस्टेड है वो लोग और जो जिनको ऑटोमोबाइल्स का एक्सपीरियंस है उन लोगों को हम डीलर्स बना रहे हैं और ज़्यादा एरिया हम चूज़ कर रहे हैं विलेजर्स विलेज एरिया है वो ज़्यादा चूज़ करके ले रहे हैं क्योंकि गांव के लोग एक पैसे की वैल्यू समझते हैं एक रुपये है तो एक रुपये की क्या वैल्यू है और उनके पास टाइम रहता है तो वो गांव से खेत में खेत से गांव में या गांव से सिटी में उसमें जाने के लिए उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत मींस बहुत ज़्यादा वो लाइक कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इन्जॉय करके ले रहे हैं क्योंकि उधर पेट्रोल पंप की भी कमी रहती है और इलेक्ट्रिसिटी विलेजेस में गवर्नमेंट ने सिटी के बजाय काफ़ी चिप प्राइस में करके दे के रखी है तो उनको एक अगर पाँच रुपया भी अगर सेविंग होता है तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है अभी हमारे पास मोर देन डीलर्स एंड सब डीलर्स सभी मिलके मोर देन फो फोर हंड्रेड फिफ्टी से भी ज़्यादा अभी बन चुके हैं और आई थिंक इस साल थाउजेंड के करीब हो जाएंगे क्योंकि अभी एक डिमांड क्रिएट हो गई क्योंकि अभी गवर्नमेंट फुली इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई है और लोगों के में एक अवेयरनेस आ गई है हर पर्सन समझने लग गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है इसके क्या बेनिफिट्स है क्या उसका यूज़ है और अपने को क्यों चाहिए ये चीज़ें अभी अवरी पर्सन को समझ में आने लगी लग है तो हर एक पर्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ दौड़ रहा है तो उसके लिए डिमांड बढ़ गई है तो डीलर्स भी डे बाय डे हर रोज़ नया एक डीलर बनते जा रहा है हम डीलर्स को फर्स्ट इसमें ही कंडीशन डालते हैं कि उसके पास एक सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे और वो भी इसी के लिए ले रहे कि आपको अवरी कस्टमर को सर्विस देनी है वो चाहे तुनवाल की गाड़ी अगर नहीं है तो नॉन तुलवाल तुनवाल की गाड़ी है उसको भी सर्विस देनी है और जो उन्होंने बेची है उसकी भी सर्विस की आ, उनको रिस्पांसिबिलिटी लेनी है हम डीलर्स के इधर जो सर्विस के लिए आदमी रखे जाते हैं उनको हम ट्रेन करते हैं और वो फिर आगे कस्टमर के यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दे बहुत सारे डीलर हैं जो स्पॉट पे जाके भी उनको सर्विस करके देते हैं और स्पेयर पार्ट है वो मिनिमम स्पेयर पार्ट हम उनको कंपलसरी स्टॉक में रखने के लिए दे रहे हैं तो अभी सर्विस का इश्यू नहीं है अभी जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है तो ऑटोमेटिकली जो पुराने ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए लोग हैं वो खुद इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं खुद स्पेयर पार्ट्स रख रहे हैं और खुद ही वो लोग सर्विस दे रहे हैं क्योंकि तो अभी इसमें इनकम जनरेट होने लगी है जैसे पहले ऑटोमोबाइल्स के इसमें इतने सारा बड़ा बड़ा मार्केट बना हुआ है हर जगह पे सर्विस सेंटर खोल के रखे हैं को, कोई कोई लोग पार्ट बेच रहे हैं तो वैसे अभी इलेक्ट्रिक में के इसमें बेचने स्टार्ट हो गए कोई बैटरी रख रहा है कोई उसका थ्रोटल रख रहा है कोई मोटर रख रहा है तो ये जैसे जैसे डिमांड वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें बढ़ते जा रही है सुकान की भीति न शिकण्याची जिद्द ठेवली यश तुनवाल ई मोटर्स जो कंपनी आज मान लो जो वर्किंग कर रही है तो उसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स लगे हुए हैं और आ, हमने इस टाइप का करके लिया कि विदाउट इन्वेस्टमेंट और कैसे एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाना क्योंकि हमारा जो मेरा जब स्टार्टिंग हुआ था वो 97 में पुना में एंट्री हुआ था और उस टाइम मीन्स कुछ भी नहीं जस्ट एक ट्वेल्थ पास का नॉलेज uh, और वॉकिंग uh, ना व्हीकल ना कैपिटल और ना ही ये अदर कुछ बट उसी में से वॉकिंग वॉकिंग करके एक कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स से और उसको सप्लाई करते करते और uh, हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल के यहाँ तक आ गए हैं हाँ स्ट्रगल के इसमें uh, करते टाइम जब भी किसी के पास मान लो कोई भी काम करेंगे तो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ गलतियाँ होएगी लेकिन उस गलतियों को ऐसे ही नहीं रखना है गलतियाँ हो गई तो उनको ही वापस पूछो भी क्या गलती है या खुद उसके ऊपर खुद उसके ऊपर सोच के देखो कि अपने से क्या गलती हुई है और उस गलती को सुधारो और वापस उधर जाओ तो वहाँ से वापस अपने को कुछ ना कुछ मिलेगा कि वापस वो बताएंगे भी नहीं तुम्हारी ये गलती थी तो वहाँ से सपोर्ट मिलना स्टार्ट होएगा और अगर आपको किसी ने मान लो गलती बता दी और तुम उससे ईगो आ गया कि नहीं ये आदमी सही नहीं है तो फिर तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे भविष्य मध्य विविध सेवा क्षेत्र है आने वाले टाइमिंग में तुनवाल ग्रुप अभी 500 सौ व्हीकल बना रहे हैं पर डे तो वही आगे चल के हम एग्रीकल्चर में जो यूज होने वाले व्हीकल है और कमर्शियल इसमें यूज होने वाले व्हीकल है कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले आ, सम छोटे मशीन मशीन रहते हैं वो सब पावर स्टोरेज के ऊपर चले उनमें आ, फ्यूल का कहीं पे जरूरत ही नहीं हो उस टाइप का हम आगे लाने वाले हैं ये जो ड्रीम है वो हमारे तुनवाल टीम है वो डेफिनेटली आ, इसको हम पूरा करेंगे निसर्ग समृद्ध ठेवा जपड़ ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे त्यासाठी प्रदूषण रोखत संतुलित आणि पोषक वातावरण तयार होण्यासाठीचे प्रयत्न वाढवले पाहिजेत या प्रयत्नांना वेग देण्यासाठीच गुजरात पाथ, राजस्थानातही इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती केली जाणार आहे अशा प्रयत्नातून निसर्गाचा समृद्ध ठेवा जपत नव्या पिढीला सुरक्षित आणि पोषक वातावरण देता येईल यासाठी तुनवाल मोटर्स कार्यरत आहेत त्यांच्या या प्रयत्नाला उत्तरोत्तर यश मिळत राहो आणि नफा तोट्याचा विचार न करता सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा आदर्श इतरांनीही अंगीकारावा या सदिच्छांसह आज इथेच आपण थांबूया पुन्हा भेटू नव्या भागामध्ये नव्या ब्रँडसह तोपर्यंत नमस्कार